सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब बटन बिना दबाए नहीं जाएं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप उसको फॉलो करते रहें और उसका आपको रिवाइज में हेल्प होता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नाम कैसे पड़ा? तो व्हीटस्टोन तो एक फिजिसिस्ट का नाम था। उसने क्या बोला, अगर कोई है ना, ये सपोज चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर और एस, इन चार रेजिस्टेंसेस को आप अगर इस ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज करके कहलाता है। ब्रिज कैसे पड़ा यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर है। यहाँ से दो ब्रांचेस निकले, यहाँ से दो ब्रांचेस निकले और ये ब्रांच इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कनेक्ट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज रेजिस्टेंस वायर है जिसे हम गैल्वानोमीटर करके कह रहे हैं। ये गैल्वानोमीटर भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे जी रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं। तो ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप कहलाता है। तो यहाँ पे बोला गया फोर रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस कनेक्टेड एज इन फिगर फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये चार रेजिस्टेंसेस को मैं इस ऑर्डर में कनेक्ट कर दूं तो वो मेरा क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा जिसमें मैं पी और क्यू को रेशियो आर्म्स कहता हूं, जहां पे एस मेरा अननोन रेजिस्टेंस है जो मैं पता करना चाहता हूं और मेरा आर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको मैं वेरी करूंगा अकॉर्डिंगली। अब यहां पे हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये सब चीजें हम देखेंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पे बात करते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा, हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कब कहेंगे इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन नो करंट फ्लोज इन द गैल्वानोमीटर जी, जब इस गैल्वानोमीटर से जो आईजी करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो हम उस केस में ये केस कब होगा, जब बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी करंट इस रेजिस्टेंस से पास नहीं करेगा तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। आप ओम्स लॉ क्या जानते हैं, जब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट पास करता है। तो हम बोल रहे हैं अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो इस गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं अगर यहां बैटरी से करंट आया हो I1 प्लस I2, टोटल करंट I1 प्लस I2 करंट आया हो और उसमें से सपोज इस P आर्म में करंट गया हमारा I1 और इस R आर्म में करंट गया हमारा I2। अब मैं बोल रहा हूं यहां से जो करंट आया अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस गैल्वानोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, ये पूरा I1 अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ करंट लॉ इस Q आर्म से चल जाएगा और यहां पे ये I1 है ना करंट Q से जा रहा होगा और ये सिमिलरली I2 यहां से कोई करंट आ नहीं रहा तो इस S आर्म से कितना करंट जाएगा, I2 आर्म, और यहां पे जंक्शन पे I1 I2 करंट एंटर किया तो KCL को ओबे कराते हुए हम बोल सकते हैं कितना आउटपुट करंट आएगा, जितना I1 प्लस I2 एंटर किया था इस व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप में उतना ही करंट हमारा क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है व्हेन नो करंट फ्लोज इन द गैल्वानोमीटर Ig equal to zero और ये तब है when the potential of points B and D are equal, जब B और D का point का potential same होगा तभी हम बोलेंगे कि current in the galvanometer arm is zero, ठीक है, galvanometer में कितना current flow कर रहा है मेरा, zero, then the bridge is said to be balanced। और अगर ये दो condition हो जाती है तो हम इस Wheatstone bridge को कैसा Wheatstone bridge कहते हैं students, known as balanced Wheatstone
ब्रिज करके, ठीक है, इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हुई। ठीक है, कंडीशन आप क्या बोलोगे कि VB बराबर VD होना चाहिए, और अगर VB और VD सेम हो जाए, B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो उस केस में आपका गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो करेगा, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और अगर बैलेंस की अगर बात करें, कैसे चेक करेंगे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, रेशियो आर्म्स का रेशियो दैट इज पी बाई क्यू इस ब्रिज वायर से इस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस का रेशियो P by Q, वो अगर R by S के बराबर हो जाए, वेरिएबल रेजिस्टेंस बाय अननोन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं इस ब्रिज आर्म के इसका रेशियो P by R का रेशियो मेरा इसके राइट साइड के रेजिस्टेंसेस के रेशियो Q by S के बराबर अगर हो जाए, ठीक है, अगर ये चीज हो जाए तो हम बोल देंगे कि पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं किया, तो कोई करंट फ्लो नहीं किया मतलब जो करंट I1 आया वो यहां चला गया, जो करंट I2 यहां आया वो करंट I2 यहां चला गया, तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं किया, उस केस में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहलाएगा। अब ये अगर बैलेंस्ड है तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो उससे पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हम यहां पे लूप लॉ लगा के देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन हम चेक करेंगे। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां से आई1 प्लस आई2 करंट आया, उसमें से आई1 करंट यहां गया। अब सपोज कीजिए अगर बैलेंस नहीं होता तो कुछ गैल्वेनोमीटर से करंट जाता IG, अगर यहां से IG करंट जाता, यहां आई1 करंट आया, तो इस पोर्शन से आई1 माइनस IG करंट जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ को भी करते हुए I1 माइनस IG। सिमिलरली यहां से I1 चला गया तो यहां से I2 जाएगा, यहां से IG आ रहा था तो यहां से कितना लीव करेगा I2 प्लस IG, तो ये I2 प्लस IG I1 माइनस IG, यहां से कितना करंट निकलेगा IG IG कैंसिल I1 प्लस I2। तो अब हम यहां पे दो लूप बनाते हैं स्टूडेंट, पहला लूप बनाते हैं ए बी डी ए करके। ठीक है, तो लूप ए बी डी ए के लिए हम किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, ए बी डी ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो ए से बी जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस आई वन पी, फिर हम नीचे आ रहे हैं सेम डायरेक्शन करंट के, तो यहां पे भी हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी, और फिर यहां पे डी से ए आ रहे हैं तो मैं ऊपर जा रहा हूं करंट नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास जीरो। तो ये तो हमारा आया लूप ए बी डी ए के लिए। सिमिलरली हम आते हैं स्टूडेंट्स बात करने नेक्स्ट लूप की, लेट्स से हम बात करते हैं बी सी डी बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लूप लेके आ रहे हैं बी सी डी बी के लिए बात करें। ठीक है, तो लूप बी सी डी बी की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बी से सी जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया मेरे पास माइनस I1 माइनस आई जी इंटू क्या लिख सकता हूं Q। ठीक है, फिर मैं आता हूं C से D, तो करंट ऊपर आ रहा है मैं नीचे आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस होगा, यहां पे आएगा I2 प्लस आई जी। ठीक है, इंटू क्या लिख सकता हूं S। ठीक है, और फिर मैं ऊपर जा रहा हूं करंट नीचे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस आई जी इंटू क्या हो गया G, और फिर मैं B पॉइंट पे पहुंच गया, इन सब का सम जीरो। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर टू कह देता हूं। तो अभी हमने देखा था अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, ठीक है, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो तो उस केस में आपका क्या होगा B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। B और D का अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म मेरा कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर आर्म में अगर B और D का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये IG की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन से अगर आते हैं, इक्वेशन नंबर वन को अगर देखता हूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं IG को जीरो कर रहा हूं, तो IG को जीरो करता हूं तो ये क्या हो गया, ये आ गया माइनस आई वन पी, और ये तो जीरो हो गया, यहां आया प्लस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लिख सकते हैं आई टू आर इज इक्वल टू आई वन पी, तो यहां से हम लिख सकते हैं
I2 by I1 is equal to P by R. चलिए ये इक्वेशन 1 से देखा. सिमिलरली आते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करने इक्वेशन नंबर 2 पे. देखते हैं ये रहा इक्वेशन 2. यहां पे IG को 0 करते हैं, तो IG को 0 करने पे ये आया मेरे पास स्टूडेंट्स -I1 into Q. ठीक है, फिर आते हैं यहां पे +I2S, ये IG और IG 0 हो गए, is equal to 0. यहां पे भी मैं I2 by I1 का रेशियो अगर निकालूं तो I2S is equal to I1 Q आया. यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I2 by I1 का रेशियो मेरे पास क्या निकल के आया, Q by S. तो इन दोनों रेशियो ना, यहां से I2 by I1 P by R, यहां से I2 by I1 Q by S, तो हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए, P by R बराबर हम क्या बोल सकते हैं, Q by S के बराबर हो. ठीक है, अगर ये हो जाए, ठीक है, अगर ये P by R Q by S के बराबर अगर हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है. ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन है, ये हमने अभी इक्वेशन से कैलकुलेट करके दिखाया. अगर बोर्ड में आता है कि प्रिंसिपल बताइए और डिराइव कीजिए उस रिलेशन को, तो अगर 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको ये इक्वेशंस बना के दिखाना होगा. तो स्टूडेंट्स यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर. अभी तक हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज है ना के बेसिस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे. जैसे ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे, तो ये सीरीज पैरेलल हम सीधा नहीं बोल सकते. तो पहले अगर मुझे कॉम्बिनेशन इस टाइप से दिखे, मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से दो रेजिस्टेंस निकले और ये रहा आपका ब्रिज रेजिस्टेंस 10 ओम. तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम चेक कर रहे हैं इस ब्रिज रेजिस्टेंस के इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो 2/6, उसी ऑर्डर में यहां पे लेना है 4/12 के अगर बराबर है. ठीक है, यहां देख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 निकल के आ रहा है. अगर ये चीज है तो हम यहां पे क्या बोल देंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है. ठीक है, तो यहां से हम बोल देंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. चलिए बैलेंस है तो उससे क्या, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ मतलब इस बीच वाले है ना ब्रिज आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब ये आर्म कोई काम का नहीं है. तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस बीच वाले आर्म जहां कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, उस आर्म को आप हटा दीजिए. ठीक है, उस आर्म को अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो यहां 2 ओम, यहां 4 ओम, यहां 6 ओम और यहां कितना है हमारे पास 12 ओम. अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, ये 2 और ये 4 आपका सीरीज हो गया. सीरीज कितना हो जाएगा, R1 + R2, 2 + 4, 6 और यहां पे 6 + 12 हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 + 12 हो जाएगा 18 ओम. ठीक है, तो यहां पे 18 ओम आ गया. ठीक है, अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये 6 और 18 मेरा किस में है, पैरेलल में. तो हम बोल सकते हैं इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हमने दो रेजिस्टेंसेस अगर हो तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला जनरलाइज किया था, दैट इज R1 × R2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, R1 + R2, दैट इज 6 × 18/24 आएगा. तो दिस इज 6 × 18/24, तो 6 × 4 = 18, तो 18/4 इज 9/2 व्हिच इज इक्वल टू 4 पॉइंट हम कितना बोल सकते हैं 5 ओम. ठीक है, तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इस ना ए और बी के अक्रॉस कितना निकल के आया, 4.5 ओम. ठीक है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उससे आपको बस करना क्या है, जो ब्रिज आर्म है जिसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेगा उसको रिमूव कर दीजिए, उसका कोई रोल नहीं है. उसके बाद ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया, अब उसे सॉल्व कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर.
तो चलिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था तो उसका हमने क्वेश्चन किया। अब हम देखेंगे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो, जैसे हमने देखा यहाँ से दो रेजिस्टेंस निकले 1 और 2, यहाँ से दो रेजिस्टेंस निकले 2 और 1, ये बीच वाला ब्रिज आर्म रेजिस्टेंस 1 ओम का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या इस ब्रिज आर्म के लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2 क्या मेरे राइट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा अनबैलेंस्ड है। तो अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उस टाइम पे आप ये बीच वाला आर्म नहीं रिमूव कर सकते। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए टेक्निक क्या है, जनरलाइज्ड टेक्निक हम बात कर रहे हैं। जब क्वेश्चन आपका कोई सीरीज पैरेलल है ना टेक्निक से सॉल्व ना हो, एक एलिमेंट्री टेक्निक हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या इंसर्ट कर दीजिए, एक बैटरी इंसर्ट कर दीजिए। और सपोज यहां से मानिए इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, आई करंट ड्रॉ हो रहा है। अब यहां से आई करंट जो आया, अब ये आई करंट यहां पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा इन दो ब्रांचेस में। तो सपोज हम बोल रहे हैं इस वाले आर्म में एक्स करंट गया तो ऊपर वाले का में कितना करंट जाएगा मेरा, आई माइनस एक्स। अब मैं बोल सकता हूं अगर इस आर्म में मेरा वाई करंट अगर आ जाता है, यहां से एक्स करंट जा रहा है, यहां से वाई करंट आ रहा है, तो यहां से तो एक्स प्लस वाई चला गया और यहां से आई माइनस एक्स में वाई यहां गया तो यहां से कितना करंट जाएगा, आई माइनस एक्स माइनस वाई, जिसमें x प्लस वाई यहां से आ रहा है, यहां से i माइनस एक्स माइनस वाई, तो हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन लॉस है। यहां से कितना करंट जाएगा, i करंट जाएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, दो लूप बनाने हैं, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, लूप वन हम इसे कहते हैं और ये रहा मेरा दूसरा लूप, ठीक है, एक मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं, एक मैं लूप एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं। सपोज वन लूप मैंने क्लॉकवाइज लिया और टू लूप को मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, तो अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सबसे सिंपल टेक्निक ये है। अब आप करने क्या वाले हैं, आप एक्स और वाई इन दो अननोन को निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ आई। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लूप वन को लिखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखें। तो लूप वन की इक्वेशन यहां से शुरू करते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, आई माइनस एक्स। फिर मैं नीचे आ रहा हूं, करंट भी नीचे आ रहा है तो माइनस वन इंटू क्या आएगा, वाई। फिर मैं इस डायरेक्शन आ रहा हूं, करंट अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो प्लस टू इंटू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या कर देते हो, जीरो। ये तो आया मेरा लूप वन का इक्वेशन। सिमिलरली हम लूप टू की इक्वेशन लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लूप टू की इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, लूप टू की इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस वन इंटू क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई। फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस टू इंटू कितना हो गया, आई माइनस एक्स माइनस वाई। फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, करंट भी नीचे ही आ रहा है तो क्या हो गया, माइनस वन इंटू कितना होने चला गया, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपने दो इक्वेशंस लिखी और इन दो इक्वेशन को यूज करके आपको क्या करना है, आपको लेट्स से ना एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ है ना आई निकालनी है। देखते हैं, तो ये हो गया माइनस आई प्लस एक्स, फिर माइनस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आया मेरा माइनस आई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन। इसको अगर मैं इक्वेशन खोलूं तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू आई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से मेरा इक्वेशन आया माइनस टू एक्स माइनस एक्स इज माइनस थ्री एक्स। फिर हम यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स वाई वाई टू वाई इज माइनस फोर वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां माइनस थ्री एक्स यहां प्लस थ्री एक्स, मुझे सिंपली दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को एड कर दो, तो ऐड करूंगा तो क्या होगा, माइनस थ्री एक्स से प्लस थ्री एक्स कैंसिल हुआ,
2i माइनस i कितना हो गया i आ गया ठीक है और फिर माइनस y माइनस 4y कितना आ गया माइनस 5y is equal to 0 यहां से y की वैल्यू i के टर्म में आई y is equal to i by 5 चलिए y की वैल्यू आ गई i by 5 अब इस y की वैल्यू यहां रख देता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर लिखता हूं स्टूडेंट्स तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं देखो यहां क्या बन रहा है ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 में रखते हुए माइनस i into हम क्या लिखते हैं प्लस 3x फिर माइनस y दैट इज माइनस i by 5 इज इक्वल टू कितना होने जा रहा है 0 ठीक है अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं यहां से ना माइनस i by 5 माइनस i माइनस 6i by 5 तो 3x की वैल्यू आई 6i by 5 यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास x is equal to हमारे पास आता दिख रहा है is equal to 2i by 5 तो हम यहां से लिख सकते हैं x is equal to आया हमारे पास 2i by 5 चलिए x और y की वैल्यू हमने i के फॉर्म में स्टूडेंट्स x और y की जो वैल्यू आई उसको हमने यहां पे सर्किट रीड्रॉ करके हमने उन करंट्स की वैल्यू को पुट किया जैसे यहां से जो करंट i आ रहा था तो नीचे x गया यहां पे x की वैल्यू हमने निकाली 2i by 5 तो KCL के हिसाब से यहां 2i by 5 जाएगा तो यहां पे जाएगा 3i by 5 और यहां y जा रहा था जो मेरा i by 5 आया तो 3i by 5 में i by 5 यहां गया तो यहां जाएगा 2i by 5 और ये i by 5 और 2i by 5 यहां निकल के आएगा 3i by 5 यहां से 2i by 5 और मेरा 3i by 5 ऐड अप होके हो जाएगा i तो हम बात करना चाहते हैं इस a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अक्रॉस दिस बैटरी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब उतना ही करंट ड्रॉ करे बैटरी से जितना इस कॉम्बिनेशन ने किया है तो यहां पे i तो v is equal to i into r equivalent तो r equivalent मतलब v by i का रेशियो तो हमें v by i का रेशियो निकालना है तो हम क्या करते हैं बाहर-बाहर लूप से घूमते हैं ax dy b p q a ये रहा हमारा लूप चाहे तो आप ऐसे भी घूम सकते हैं a c b p q a चाहे तो आप a c d y b p q a मतलब एक क्लोज लूप घूमना है तो हम बार-बार से घूम लेते हैं a x d y b p q और a तो अब यहां पे लूप लगाते हैं तो x से d जाते हैं जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन करंट आ रहा है तो माइनस i r तो i हो गया 2i by 5 और r है 2 फिर जाते हैं d से y तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस 3i by 5 into आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 फिर हम b p और p से q जाएंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये आएगा प्लस v is equal to 0 किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो यहां पे v रखा और बाकी सब को उस साइड ले गया तो 2 into 2 हो गया 4i by 5 और ये उस साइड गया तो आया 3i by 5 यहां से v निकल के आया मेरे पास 7i by 5 यहां से v by i की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 7 by 5 और हमने v by i क्या कहा है r equivalent तो r equivalent निकल के आया 7 by 5 हो जाता है 1.4 ohm तो ये आपने लूप लॉ लगा के कोई सीरीज पैरेलल नहीं सीधा करंट की वैल्यू निकाली डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद लूप लॉ लगा के आपको r equivalent निकालने का मतलब v by i का रेशियो निकालना अब हम एक शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे नोन एज स्टार डेल्टा मेथड जिससे हम इसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से सॉल्व करने जाएंगे नोन एज स्टार डेल्टा मेथड जैसे यहां हमने देखा 1/2 2/1 व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व करने का हम कौन सा मेथड सीखने जा रहे हैं एक शॉर्टकट मेथड स्टार डेल्टा मेथड ठीक है इस मेथड का नाम स्टार डेल्टा मेथड है तो स्टार डेल्टा मेथड में हम क्या करते हैं जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उन दो पॉइंट को पकड़ोगे और यहां या यहां में किसी एक ना ब्रिज पॉइंट को पकड़ोगे अब यहां में अब इन तीनों के बीच में आप तीन रेजिस्टेंस इंसर्ट करोगे वो तीन रेजिस्टेंस कौन-कौन है तो पहला रेजिस्टेंस ये रहा ठीक है ए बी के अक्रॉस दूसरा रेजिस्टेंस इस ए और इस ब्रिज है ना पॉइंट के अक्रॉस ये रहा आर2 रेजिस्टेंस और ये रहा मेरा तीसरा रेजिस्टेंस आर3 ठीक है तो ये तीन रेजिस्टेंस आप इंसर्ट करोगे आर1 आर2 आर3
अब ये R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी उसको निकालने का भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, तो R1, R2, R3 कैसे निकालना है, आपने क्या किया, जो अंदर में जो तीन रेजिस्टेंस है, एक डेल्टा दिख रहा है, ठीक है, तो स्टार को मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इस है ना, इस डेल्टा के अंदर जो तीन रेजिस्टेंसेज हैं उनको एक आपस में पेयर वाइज मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, दैट इज 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, दैट इज 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 + 1 कितना आया, 5। उसको आप क्या करो, न्यूमरेटर में रख दो, रख दिए। उसके बाद अब ये R1 जो है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स में। अब यहां से एक रेजिस्टेंस 1 और 2 गया, ये रेजिस्टेंस बच गया, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। वैसे R2 की बात करूं तो R2 से ये दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं 1 और 1, कौन बच गया, 2, इससे डिवाइड कर दो। और वैसे R3 से बात की जाए तो कौन दो रेजिस्टेंस आए इस R3 से, ये दो पॉइंट से 1 और 2, कौन बच गया, 1। तो यहां पे क्या हुआ, R1 की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू आई आपके पास 5/2, ठीक है, दैट इज 2.5। एंड सिमिलरली इस R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू आई मेरे पास 5। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये जो बीच में तीन रेजिस्टेंसेस हैं उनको रिमूव कर देना हूं, ठीक है, उसको हटा दूंगा, उनका कोई काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, उसको अगर मैं हटा के सर्किट रीड्रॉ करूं तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, कुछ ये रहा, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ये R1 रेजिस्टेंस तो 5 है, तो ये R1 रेजिस्टेंस ये हमारे पास कितना है, 5। एंड ये 2 और 1, इन तीन को हटाना है आपको, बीच वाले तीन को हटाना है, तो यहां पे आपका पड़ा हुआ है 2 और यहां पे आपका पड़ा हुआ है 1। अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये 2 के ना, जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस R2 है, तो ये पॉइंट सेम पॉइंट्स हुए, तो जो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है वही यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो 2 के पैरेलल में क्या आ गया, R2 आ गया, तो 2 के पैरेलल में हमारे पास R2 रेजिस्टेंस आया जो कितना है, 5/2। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, यहां पे इस ब्रिज पॉइंट और इस बी के बीच में ये R3 रेजिस्टेंस और ये तीनों सेम पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का जो है ना पोटेंशियल है वही यहां से यहां तक का पोटेंशियल, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल, तो 1 के पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है मेरे पास, R3 रेजिस्टेंस है, तो 1 के पैरेलल में R3 रेजिस्टेंस है कितना ओम का, 5 ओम का। अब हम यहां पे क्या देख सकते हैं, ये 2 और 5/2 पैरेलल, ये 5 और 1 एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। तो चलिए रीड्रॉ किया जाए इस सर्किट को, तो सर्किट अगर मैं रीड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स, तो ऊपर तो आया मेरे पास 5 सीधा, और नीचे इस 2 और 5/2 का इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, वहां पे, और फिर 5 और 1 का इक्विवेलेंट निकाले, उसको इस पॉइंट पे रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 और 5/2 का इक्विवेलेंट आएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस क्या लिख सकता हूं, R2, दैट इज 5/2। तो ये निकल के आएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, ऊपर तो हो जाएगा, यहाँ पे LCM लिया जाएगा, तो ये वैल्यू इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा 4 + 5 = 9 और ऊपर 10, तो ये हो गया 10/9, तो इसका तो आ गया 10/9। और वैसे इसका किया जाए तो 5 × 1, ठीक है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इन दो का अगर पैरेलल करने जाऊं तो ये कितना आएगा, 5/6, तो इन दोनों का एक दूसरे से 5/6 आया। अब ये 5/6 और ये 10/9 मेरा किस में आ रहा है, सीरीज में। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे थोड़ा और रीड्रॉ करें, तो ऊपर तो पड़ा है मेरे पास 5 और नीचे है इन दोनों का सीरीज, ऐड करते हैं इन दो रेजिस्टेंसेस को, 10/9 + 5/6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, 10/9 + 5/6। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इसका लेट्स से LCM 18, तो ये हुआ 20 + 15, दैट इज 35 / 15, 18,
तो 35/18 अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से ये 5 और 35/18 एक दूसरे के क्या है पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा देखें, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/5 प्लस इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 18/35, तो मैं 7 ऐड कर देता हूं, तो ये एलसीएम लेके 7 + 18 / 35 विच इज 25/35, ठीक है, तो 25/35 इससे क्या आया 5 × 5 = 5, 7 × ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4 ओम, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया स्टूडेंट्स फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले। आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें हमने पैरेलल है ना आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल देखा, होप आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना ना जाए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाते जाए ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।